हेलो एवरीवन, जोहार। वेलकम टू JCERT डिजी स्कूल। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है लेट्स एक्सप्लोर नेचर, जो कि आपके क्लासिक्स के बुक डेजी से लिया गया है। तो चलिए, हम लोग बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि नेचर क्या होता है। नेचर मीन्स प्रकृति। हमारे आस पास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटीज है इनमें, तो कुछ के बारे में तो आप जानते हैं। एक ऐसे ही स्पीशीज है वल्चर, जिसके बारे में कि आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम वल्चर के बारे में बात करते हैं। There are 22 species of vulture. These birds don't hunt like prey, but feast on carrion, the flesh of dead animals. Many vultures use their keen sense of smell to locate carrion, but vultures find food using their sharp eyesight. तो यहाँ पे कितने वल्चर्स? देयर आर 22 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स। जो वल्चर्स होते हैं मींस गिद्ध, इनके 22 स्पीशीज पाए जाते हैं। और ये लोग जो है वो लोग लाइव प्रे, यानी कि जिंदा बर्ड्स को या जिंदा चीजों को वो नहीं खाते हैं। वे क्या खाते हैं? कैरियन, मींस जब मर जाता है, डेड बॉडीज जो होते हैं एनिमल्स के, ये उन्हें ही खाते हैं। और बहुत सारे वल्चर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें की स्मेल, यानी कि सूंघने की बहुत ज्यादा पावर रहता है, शक्ति रहता है, और वो स्मेल कर सकते हैं कि कहाँ पे सड़ा हुआ या डेड बॉडीज पड़ा हुआ है, और वो उसे खाते हैं। और बहुतों के उनका आई साइट, यानी कि जो नजर होता है, वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, बहुत दूर तक वो देख सकते हैं, जिनसे कि उन्हें अपने खाने को खोजने में हेल्प मिलती है। तो वल्चर के बारे में हम क्या समझे कि वल्चर जो है वो लाइव प्रे, यानी कि जिंदा चीजों को मार के नहीं खाता है, वो मरे हुई चीजों को ही खाता है। उनमें स्मेल का पावर बहुत ज्यादा रहता है, वो सूंघ सकते हैं कि कहाँ पे डेड बॉडीज पड़ा हुआ है, और उनका जो आई साइट होता है, जो आंखें होती है, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, वो दूर से ही अपने शिकार, अपने डेड बॉडीज, जो मरे हुए डेड बॉडीज है, उनको वो पहचान लेते हैं और उनके पास आ जाते हैं। चलिए, वल्चर के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, अब इनके बारे में कुछ एक्सरसाइजेस को भी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिनका की आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, How many species of vultures are found? वल्चर के कितने species, कितने प्रजाति पाए जाते हैं, जिसका कि आंसर अभी अभी आपको बता दिया गया है। Second है, What do vultures eat? आप जानते हैं कि vultures क्या करते हैं, वे क्या खाते हैं? वो carrion, यानी कि dead bodies खाते हैं। इसके बाद third है, Find the same word from the passage. Passage जो आप पढ़े, उसमें से same word निकालिए जिसका meaning vision होता है, means देखना। और सेकेंड है, ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका की मीनिंग चेज होता है। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो आपको खुद से ही इस पैसेज में से इसको ढूंढना है, मीनिंग्स को, और बताना है। तो ये था वल्चर के बारे में। अब इसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीज के बारे में जान लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऐसा एरिया होता है जो कि बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे एनिमल्स को उनके नेचुरल सराउंडिंग दिया जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है लाइफ लॉन्ग। मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे कि एनिमल्स को रखा जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद एक आता है नेशनल पार्क, जिसमें कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ एक एरिया है जिसमें एनिमल्स को रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और वहाँ पे विजिटर्स जाके उन एनिमल्स को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो इसी में एक नाम आता है बेतला नेशनल पार्क, जिसके बारे में कि आज हम पढ़ेंगे, और ये हमारे ही स्टेट झारखंड में है। तो चलिए हम बेतला नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। बेतला नेशनल पार्क ऑफ पलामू ऑफर्स अ फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन नेचुरल सराउंडिंग स्टोर्ड विद फॉरेस्ट हिल्स एंड वैली। द नेशनल पार्क हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। Once, Betla had 2 tigers, 50 elephants, and 800 sambars, hundreds of wild boar and python as big as 15 to 20 feet. Betla National Park, जो कि पलामू में है, ये बहुत ही मनोरम दृश्य वाला पार्क है, और ये जो है सराउंडेड है, इसके आसपास में वैलीज हैं, हिल्स हैं और जंगल हैं। ये नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे बहुत तरह के एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है। पहले क्या था कि इस पार्क में 2 टाइगर्स थे, 50 एलिफेंट्स थे, 800 सांबर्स और हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड बोर, बोर मींस सुअर, जंगली सुअर रहते थे, और पाइथन भी था जिसका की लंबाई 15
monkey, cheetah, that is spotted deer, blue bulls and wild boar. The park was declared a tiger reserve, a tiger project reserve in 1974. यहाँ पे जो animals पाए जाते हैं उनमें ज्यादातर क्या है कि यहाँ पे deer दिख सकते हैं आपको, deer means हिरण, deer दिख सकते हैं, bison, जंगली भैंस दिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे लंगूर दिखते हैं, चीता दिखते हैं, ब्लू बुल्स दिखते हैं, जंगली सुअर दिखते हैं, वाइल्ड बोर्स दिखते हैं, मीन्स बहुत तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं और जिनको कि हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम जान सकते हैं। और इस पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1974 में। तो स्टूडेंट्स, ये था बेतला नेशनल पार्क के बारे में। इसी तरह का बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है हमारे कंट्री में और बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं।